सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेम प्लेट पर रोक लगाने से पहले ही दुकानदारों के बीच छा गए अखिलेश। दुकानदारों, ठेले वालों से लेकर ढाबा मालिक सबको अपने नाम में दिखने लगे अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने पर लगाई अंतरिम रोक। उससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। देखेंगे तो यही कहेंगे, अखिलेश का तो क्रेज है। एक वीडियो आपको ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखेंगे तो यही कहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिए गए फैसले को जोर का झटका धीरे से दे दिया। झटका भी ऐसा है जो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के तोड़ के तौर पर सबके सामने आ गया। मुसलमानों को वोट न देने का दंड जो दिया गया, उस दंड से निजात पाने का रास्ता इन्हें मिला तो मैसेज पीडीए में चला गया। अब अखिलेश ही सहारा है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदार, होटल, ढाबा, ठेले वालों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य करने की बात कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अलग ही तरह का प्रयास किया था, जिससे उनके विरोधी हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क पैदा कर सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला करार दे रहे हैं। सीएम योगी अपने लिए फैसले पर अड़िग थे, किसी भी तरह से अपने लिए फैसले पर यू टर्न लेने को तैयार नहीं थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीएम योगी के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से पहले अखिलेश का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें अखिलेश खुद तो मौजूद नहीं है लेकिन उनकी तस्वीरें दिखने लगी। समाजवादी विचारधारा दौड़ने लगी। देख लीजिए इस वीडियो को। फास्ट फूड की दुकान पर अखिलेश हैं, फ्रूट की रेहड़ी पर अखिलेश हैं, जिधर देखो उधर अखिलेश हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेम प्लेट के जरिए उनकी पहचान क्या है उससे वाकिफ कराने का प्रयास उनके सामने किया, जो कांवड़िए हैं। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले कांवड़ियों को बताने का प्रयास किया गया है। प्रशासन नेम प्लेट लगाने के पीछे ये तर्क दे रहा था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फैसला लिया, लेकिन इस फैसले से जब समाज के बीच दूरी बढ़ने की संभावना बढ़ी तो फिर ये फैसला ले लिया गया। जिसको भी योगी के इस फैसले पर एतराज था उसने अपना नाम अखिलेश ही बताया, अखिलेश की तस्वीर को लगाकर संकेत दे दिया। पीडीए को तोड़ने की भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, पीडीए अब की बार टूटने वाला नहीं। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का विरोध सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही किया था। नेम प्लेट विवाद पर कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों को अपना नाम लिखकर दिखाने की जरूरत के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो पीठ थपथपाई है उतने से ही जनता मानने वाली नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। अदालत सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम प्रशासन नहीं करेगा। यह अखिलेश की सियासी समझ का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सोच की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है और इससे खुश अखिलेश कह रहे हैं, एक नई नेम प्लेट होनी चाहिए जिसमें लिखा हो सौहार्दमेव जयते, और जो सरकार के फैसले से पीड़ित हैं सरकार से बचाने के लिए अब खुद को अखिलेश कह रहे हैं।